ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हुए T20 वर्ल्ड कप से बाहर। टीम इंडिया ने मारी सेमीफाइनल में एंट्री। इन तीन टीमों की जगह भी हुई पक्की। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में एंट्री मार ली है और किन तीन टीमों की जगह सेमीफाइनल के लिए पक्की हो गई है वो हम आपको इस आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वर्ल्ड क्रिकेट की दो धाकड़ टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है। ये टीमें सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हालत बेहद ही टाइट है। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारकर परेशान है, तो इंग्लैंड भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला हारा वो उन्हें बेहद ही भारी पड़ने वाला है। तो चलिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हुए T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम को अफगानिस्तान ने 21 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में फंस गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की सिचुएशन बेहद ही ख़राब है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय पॉइंट टेबल में परेशान नजर आ रही है। दरअसल ग्रुप वन में ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय पॉइंट टेबल में नंबर दो पर है। ऑस्ट्रेलिया ने दो मुकाबला खेला है और एक मुकाबला जीता है, एक गवाया है और उनके दो अंक है। नेट रन रेट प्लस 0.223 है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम की सिचुएशन यहां पर खराब नजर आ रही है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपना अगला मुकाबला भारत से हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के दो ही अंक रख जाएंगे और अफगानिस्तान की टीम अगर अगले मुकाबले में बांग्लादेश को हरा देती है तो अफगानिस्तान के चार अंक हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाएगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की हालत तो आप जान ही रहे हैं कि क्या है। इसके अलावा बात करते हैं इंग्लैंड की। बता दें कि ग्रुप टू में इंग्लैंड की टीम अभी तीसरे नंबर पर है। इन्होंने दो मुकाबला खेला है और एक मुकाबला जीता है, एक गवाया है और इनके दो अंक हैं। इनका नेट रन रेट प्लस 0.412 है। बता दें कि यहाँ पर अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम साउथ अफ्रीका को अगले मुकाबले में हरा देती है तो वेस्ट इंडीज़ के भी चार अंक हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका के भी चार अंक रहेंगे और इंग्लैंड की टीम अगर अगले मुकाबले में USA को हरा देती है तो उनके चार अंक हो जाएंगे। ऐसे में साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट अभी इंग्लैंड से बेहतर है। वेस्ट इंडीज़ का नेट रन रेट पहले से ही बहुत बेहतर है तो वेस्ट इंडीज़ की टीम आगे पहुँच ही जाएगी चार अंक लेकर। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका बहुत अंतर से हारा तो फिर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से बेहतर नेट रन रेट की वजह से आगे पहुंच जाएगी। हालांकि इंग्लैंड USA पर अगर बड़ी जीत हासिल कर लेता है तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका भी इस रेस से बाहर हो जाए। हालांकि अगर USA की टीम कुछ उलटफेर करती है और इंग्लैंड को ये मुकाबला हरा देती है तो इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ऐसे में अब पॉइंट्स टेबल में बड़ा रोमांच आ गया है। टीम इंडिया ने मारी सेमीफाइनल में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। टीम इंडिया ने दो मुकाबला खेला है और दोनों मुकाबला जीत लिया है और उनके चार अंक हैं। नेट रन रेट टीम इंडिया का बहुत बेहतर है जो कि प्लस 2.425 है। ऐसे में टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में आ गई है। टीम इंडिया अब यहां से अगर ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो वो पॉइंट्स टेबल में टॉप करेगी और 6 अंक लेकर आगे जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के चार अंक हो जाएंगे और टीम इंडिया के भी चार अंक रहेंगे और ऐसे में टीम इंडिया चार अंक के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश को हरा देती है और उनके भी चार अंक रहते हैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के इस ग्रुप में चार अंक होंगे और फिर जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो दो टीम आगे जाएगी। लेकिन अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है तो फिर टीम इंडिया चार अंक हासिल करके आगे चली जाएगी और ऑस्ट्रेलिया भी अगर चार अंक हासिल कर लेता है तो वो भी सेमीफाइनल खेलेगा। इन तीन टीमों की जगह भी हुई पक्की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तीन टीमें ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आ रही हैं, जिसमें से एक है भारत, दूसरा है वेस्ट इंडीज़, तीसरा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। अब आप कहेंगे कि तो चार टीमें हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि भारत तो ग्रुप वन में पक्का नज़र आ रहा है लेकिन ग्रुप टू में अभी भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तीन टीमों में से कोई सी दो टीम आगे जा सकती है क्योंकि तीन टीमों के बीच में जो अंतर है वो बहुत ही छोटा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल खेलेगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।